नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे 20 जो बेहतरीन बोनस शेयर देने वाले स्टॉक्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर लेटेस्ट जो बोनस शेयर दे सकता है उस कंपनी के बारे में बताइए। तो ये 20 शेयर हैं जो कि लगातार बोनस शेयर देते हैं ये कंपनियां। तो ये कंपनियां जब भी आपको मतलब अच्छे वैल्यू पर मिलता है तो आप जरूर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी सॉलिड है। ये कंपनियाँ वो कंपनियाँ हैं जो बोनस के साथ साथ आपको ग्रोथ भी देगा, आपको डिविडेंड भी देगा। और जो कंपनियाँ बोनस देती है उसमें डिविडेंड भी जो है एक मैजिक का काम करता है, एक कंपाउंडिंग का काम करता है डिविडेंड भी, क्योंकि ये कंपनियां जो बोनस इश्यू करती है जनरली ग्रोथ वाली कंपनियां होती है, जो कंपनियां ग्रो कर रही है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले नंबर पे है हमारा इंफोसिस। इंफोसिस जिसके पास रिजर्व है 74,000 करोड़ का, और इसी रिजर्व को जब यूज करती है कंपनियां तो उसके बदले बोनस शेयर इश्यू करती है। और कंपनी के ऊपर डेट है जो कि मामूली सा डेट है इतनी बड़ी कंपनियों के पास, जो कि एक ब्लू चिप कंपनियां है। 5,94,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मात्र 5,325 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर। तो एक मामूली सा डेट है जो कि कंपनी कभी भी अपना डेट चुका सकती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है रिलैक्सो फुटवेयर। ये भी काफ़ी सॉलिड कंपनी, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, और कंपनी के पास रिजर्व है देखते हैं 1,548 करोड़ का, और कंपनी के ऊपर जो डेट है काफ़ी कम है, 115 करोड़ का मात्र डेट है। और ये कंपनियां देखते हैं मात्र 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अभी भी यहाँ से काफ़ी पोटेंशियल है कि ये कंपनी आगे जा सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी के पास पोटेंशियल है, और कंपनी का जो प्रोडक्ट है काफ़ी सॉलिड है, जो कि मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट इसके जो है लीड करते हैं। तो ये कंपनी काफ़ी सॉलिड है, ये आपको ग्रोथ भी देगा, बोनस भी देगा, और अच्छा खासा डिविडेंड भी देगा। उसके बाद अगला जो है हमारा है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्री काफ़ी बेहतरीन जो रिसेंट टाइम है, अभी जो फिलहाल कुछ सालों का समय है, पिछले 10 सालों में तो काफ़ी बोनस ये कंपनियाँ दे रही, कई बार बोनस दी है पिछले 10 सालों में 2-3 बार। और इस कंपनी का पास जो रिजर्व है वो 3,416 करोड़ का रिजर्व है, और कंपनी के पास जो डेट है 2,492 करोड़ का, और कंपनी जो मार्केट कैप है 29,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये भी कंपनियां काफ़ी सॉलिड है, जो कि आने वाले समय में आपको बेहतरीन बोनस शेयर देते रहेगा। उसके बाद जो बोनस शेयर में रिसेंट टाइम में इंफोसिस के बाद जो सबसे बेहतरीन बोनस दिया है पिछले 20 सालों में वो है मदरसन सुम्मी। मदरसन सुम्मी ये भी काफ़ी सॉलिड स्टॉक है, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा बढ़ चुका है, 14,000 करोड़ का डेट हो चुका है। कंपनी के पास रिजर्व है मात्र 10,000 करोड़ का, और कंपनी का जो मार्केट कैप है 75,000 करोड़ का है। तो ये कंपनियां भी काफी सॉलिड है, जो आने वाले समय में आपको बोनस शेयर लगातार इश्यू करता रहेगा। अगला है हमारा विप्रो। विप्रो भी काफी बेहतरीन है, जो कि रेगुलर इंटरवल पर अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर देती है। इस कंपनी के पास जो टोटल रिजर्व है 53,000 करोड़ का, और कंपनी के ऊपर जो डेट है 8,900 करोड़ का, और कंपनी का जो मार्केट कैप है 2,95,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो ये भी कंपनी काफी शानदार है, रेगुलर इंटरवल पर बोनस शेयर देती है। इसी कंपनी के बोनस शेयर के बेहतरीन रिटर्न के कारण जो है बोनस शेयर जो है काफी ज्यादा इन्वेस्टर का पसंदीदा हो चुका है, क्योंकि ये कंपनी इतना बोनस शेयर दिया है, इतना बोनस शेयर दिया है कि 100 शेयर को 2,56,00,000 शेयर बना दिया है। समझ सकते हैं इतना बोनस शेयर ये कंपनी ने इश्यू किया है अपने लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को। उसके बाद जो अगली कंपनी है आरती ड्रग्स। अभी आरती ड्रग्स रिसेंट टाइम में काफ़ी अच्छा बोनस शेयर दे रहा है, तो ये कंपनी आपको आने वाले समय में भी काफ़ी अच्छे बोनस शेयर इश्यू करते रहेंगे। इस कंपनी के पास जो रिजर्व है 820 करोड़ का, कंपनी के ऊपर जो डेट है 305 करोड़ का, और कंपनी का जो मार्केट कैप है मात्र 7,035 करोड़ का है। तो ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और काफ़ी अच्छा बोनस शेयर इश्यू कर रहा है। उसके बाद SCL टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी सॉलिड स्टॉक है और काफ़ी बेहतरीन डिविडेंड और बोनस देता है अपने शेयर होल्डर को। ये भी IT कंपनी है और इसके पास रिजर्व है 59,000 करोड़ का, और कंपनी का ऊपर जो डेट है 6,422 करोड़ का, और कंपनी का जो मार्केट कैप है 2,54,148 करोड़ का। तो ये भी कंपनी एक ब्लू चिप कंपनी है और काफ़ी अच्छा बोनस शेयर दे रही है, और आने वाले समय में भी ये कंपनी आपको बोनस शेयर देगी। ITC देखिए, ये इस कंपनी में थोड़ा सा ग्रोथ अभी स्लो हो चुका है, लेकिन आने वाले समय में इसमें आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिलेगा। ये स्टॉक थोड़ा धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब चलेगा तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको देगा, साथ साथ बोनस शेयर और काफ़ी अच्छा डिविडेंड तो देता है। 5% का डिविडेंड मिल रहा है, अभी काफ़ी अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, तो आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये काफ़ी स्लो स्टॉक है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। 59,000 करोड़ का इसका रिजर्व है और 270 करोड़ का मात्र डेट है। देख सकते कंपनी के ऊपर डेट फ्री है, इतनी बड़ी ब्लू चिप कंपनी, 2,56,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जबकि ये स्टॉक अभी मूवमेंट नहीं किया। जब ये मूवमेंट करेगा तो ये मार्केट कैप को
5 लाख 7 लाख होने में कोई टाइम नहीं लगेगा जैसे यहां से प्राइस मूव करता है। तो उसके बाद जो अगला कंपनी है जो कि लगातार बोनस शेयर अभी इश्यू कर रही है फार्मा सेक्टर से, कैडिला हेल्थ केयर, 12,890 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, वहीं 3,680 करोड़ जो कंपनी के ऊपर डेट है और 65,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। ये कंपनी भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे रही है अपने इन्वेस्टर को, साथ साथ बोनस और डिविडेंड भी पे कर रही है। उसके बाद जो अगले नंबर पे है बर्जर पेंट, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक और काफ़ी सॉलिड स्टॉक है, आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी देगा, साथ साथ बोनस शेयर भी कंपनी देती है। 3,280 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, कंपनी के ऊपर डेट है मात्र 634 करोड़ का, तो बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, कुछ खास डेट नहीं है, जबकि मार्केट कैप दिल्ली 77,000 करोड़ का है। तो इतना मतलब इतनी बड़ी लार्ज कैप कंपनी के पास मात्र 634 करोड़ का डेट है जो कि कंपनी के एनुअल प्रॉफिट से भी कम है। तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें ग्रोथ भी मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा और बोनस भी आपको मिलेगा रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे। अब देखिए वहीं 11वें नंबर पे जो कंपनी है वो है करोड़ विद्या बैंक। देखिए दोस्तों ये काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, काफ़ी बेहतरीन जितने कहा जाए उससे भी कहीं ज़्यादा, लगातार पिछले कई सालों 5 साल में 3 बार बोनस शेयर दी है कंपनी ने और कंपनी काफ़ी अच्छी एक स्मॉल कैप कंपनी है, मतलब बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। देखिए पहले हम भी बैंक सेक्टर के स्टॉक अवॉइड करते हैं, लेकिन जो बैंक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिसका बिजनेस काफ़ी अच्छे से रन कर रहा है और जिसका कैश फ्लो पॉजिटिव है, ये याद रखिएगा कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो बैंक जो है आपको अच्छे खासे रिटर्न देंगे। देखिए कैपिटल एडिकेसी रेशियो इसका 18.52% है, मार्जिन जो है देखिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.29% है, अच्छा खासा है, HDFC बैंक का 4% से ज़्यादा है, उससे थोड़ा कम है। ग्रॉस NPA 7% है, ये थोड़ा ज़्यादा है, नेट NPA भी 2.5%, ये भी थोड़ा ज़्यादा है, और कासा रेशियो 35%, ये ठीक है, ये उतना कम नहीं है, लेकिन और ज़्यादा रहे तो और अच्छा है। लेकिन एक स्मॉल कैप बैंक इतना अच्छा आपको मतलब रिटर्न भी दे रहा है, बोनस भी दे रहा है, ग्रोथ भी दे रहा है और कंपनी का जो फंक्शंस है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं जो अगला स्टॉक है हमारा हेटसन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और देखिए इसके पास रिजर्व है 1000 करोड़ का, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा है 1306 करोड़ का, और वहीं कंपनी का जो मार्केट कैप है 18000 करोड़ का। तो ये भी कंपनी काफ़ी सॉलिड है और काफ़ी रेगुलर इंटरवल पर अपने शेयर होल्डर को बोनस दिया है, साथ साथ कंपनी में ग्रोथ भी मिल रहा है और डिविडेंड भी मिल रहा है, तो काफ़ी शानदार है। अब जो अगला स्टॉक है हमारा TCS, इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन में 11,62,000 करोड़ का मार्केट कैप है, देखते हैं काफ़ी बड़ी कंपनी है। कंपनी के पास रिजर्व है 86,000 करोड़ का और कंपनी के ऊपर जो डेट है 7,795 करोड़ का, तो ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है जो आपको डिविडेंड तो अच्छा खासा देती ही है, ये कंपनी रेगुलर रूप से आपको डिविडेंड देती है और काफ़ी अच्छा खासा डिविडेंड देती है, साथ साथ इस कंपनी में आपको बेहतरीन ग्रोथ देखने मिलेगा। अगला है हमारा हैवेल्स इंडिया, ये भी काफ़ी सॉलिड स्टॉक है और देखिए रिजर्व जो है कंपनी के पास 5,114 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास और कंपनी के ऊपर जो डेट है 524 करोड़ का डेट है और कंपनी का जो मार्केट कैप है 66,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है और ये भी काफ़ी सॉलिड स्टॉक है जिसमें आपको रेगुलर इंटरवल पर डिविडेंड और ग्रोथ और बोनस शेयर मिलता है, तो ये काफ़ी सॉलिड स्टॉक है, आप इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 15 नंबर पे, जिसको आप कॉनकॉर कहते हैं, इसी का देखिए फर्स्ट लेटर जो है इसका ले फर्स्ट थ्री लेटर इस पहले वर्ड से ले लीजिए, दूसरे वर्ड से फर्स्ट थ्री लेटर ले लीजिए, देखिए कॉनकॉर हो गया। इसका पास रिजर्व है 9,882 करोड़ का और मात्र 61 करोड़ का डेट है कंपनी को ऊपर और एक PSU स्टॉक है और इससे बेहतर PSU स्टॉक आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी सॉलिड रिटर्न क्रिएट करके दिया अपने इन्वेस्टर को, साथ साथ डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है और कंपनी ग्रोथ भी दिखाया है और कंपनी बिल्कुल डेट फ्री भी है और कंपनी का जो मार्केट कैप है 43,000 करोड़ का है, देख सकते हैं मार्केट कैप, तो काफ़ी सॉलिड कंपनी है और काफ़ी बेहतरीन रिटर्न इन्वेस्टर को दिया है, बोनस शेयर भी रेगुलर इंटरवल पर अपने इन्वेस्टर को दिया है इस कंपनी ने। अगला है सिटी यूनियन बैंक, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और काफ़ी अच्छा डिविडेंड ग्रोथ सारी चीज़ें दिया है इन्वेस्टर को। अब देखिए बैंकिंग सेक्टर है, इसमें थोड़ा सा आपको कैश फ्लो पर ध्यान रखना पड़ेगा, कैश फ्लो पॉजिटिव है तो निश्चित है कि जो आपको ये स्टॉक्स है आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न देगा, लेकिन इसमें स्टॉक पे आपको थोड़ा नज़र रखना पड़ेगा, ये जो सिटी यूनियन बैंक आपको बता रहे हैं क्योंकि अभी अच्छे प्राइस पर उपलब्ध है, लेकिन यहाँ से अगर
इसका क्वार्टर का रिजल्ट पे ध्यान रखना है। अगर बेहतर आता है तो निश्चित है कंपनी आने वाले समय में काफी बेहतर करने वाला है। और इसका देखिए इसमें हम डेट और इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि इस कंपनी का काम ही है बैंक का कि इधर से डेट मतलब लोन लेना और दूसरों को लोन देना, बीच का जो इंटरेस्ट है वो अर्न करना। था देखिए इंटरेस्ट मार्जिन कितना है 4%, काफ़ी अच्छा है। HDFC बैंक के कंपेरिजन में ही है बैंक। और देखिए कासा रेशियो 27 है, काफ़ी कम है। नेट NPA काफ़ी कम है, तो ये नेट NPA कम हो तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन कासा रेशियो काफ़ी कम है क्योंकि जो करूर विजया बैंक है उसका 35% था, इसका कुछ ज़्यादा ही कम है। मार्केट कैप 12,000 करोड़ का कंपनी है, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो थोड़ा सा करूर विजया बैंक से थोड़ा सी बड़ी कंपनी है। लेकिन करूर विजया बैंक से इधर रिसेंट टाइम में ज़्यादा ग्रोथ दिखाया है, लेकिन रिकवरी भी उससे काफ़ी कम हुआ है। उसके बाद अगला है गेल इंडिया, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, PSU सेक्टर के स्टॉक है। देखिए कुछ PSU सेक्टर के स्टॉक है जिसमें आपको बिल्कुल ग्रोथ नहीं मिलेगा। ये स्टॉक साइक्लिक स्टॉक है, जब आपको गिरावट मिलता है अपने बॉटम पे मिलता है, देखिए बॉटम कहाँ पे बना रहा है ये, तभी आपको इन्वेस्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना। अगर बॉटम पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लगभग इसमें 10% का डिविडेंड यील्ड भी मिल जाएगा, मतलब 10% का डिविडेंड के रूप में रिटर्न, साथ साथ ये कंपनी ग्रोथ भी दिखाती है, बोनस भी काफ़ी अच्छा दिया है, मतलब हर चीज़ आपको इस स्टॉक में मिल जाएगा। यहाँ देख लीजिए इसका जो रिजर्व है 46,000 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व, काफ़ी अच्छा है। और इस कंपनी के ऊपर जो डेट है 6,000 करोड़ का डेट है और 71,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये भी कंपनी काफ़ी सॉलिड है, इसमें चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत ग्रोथ मिलेगा, उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा जितना कि आपको हमने ऊपर सारे स्टॉक्स बताए हैं। अब उसके बाद है बायकॉन लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन फार्मा सेक्टर के स्टॉक जिसमें आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे और काफ़ी अच्छा बोनस दिया है रिसेंट टाइम में। 7,000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी पास, 3,600 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर और 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, तो ये भी काफ़ी सॉलिड स्टॉक है और ये भी काफ़ी अच्छा बोनस शेयर दे रहा है अपने शेयर होल्डर। उसके बाद अगला है हमारा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। देखिए रिजर्व है कंपनी पास 9,337 करोड़ का और कंपनी पर जो डेट है 855 करोड़ का और कंपनी का जो मार्केट कैप है 87,000 करोड़ का, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, काफ़ी सॉलिड स्टॉक है। उसके बाद अगला जो हमारा है ऑयल इंडिया, ये भी एक PSU सेक्टर का स्टॉक, इस स्टॉक में आपको ग्रोथ देखने नहीं मिलेगा, लेकिन अभी ये स्टॉक काफ़ी बॉटम के पास है, तो यहाँ पर से हो सकता है कि आने वाला अगर समय PSU सेक्टर का हो जाए, मतलब PSU सेक्टर के जो स्टॉक परफॉर्म करे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि कई सालों में 10 साल के बाद PSU सेक्टर के स्टॉक का साइकिल आता है, तो इस तरह से अगर PSU सेक्टर का साइकिल आता है तो निश्चित है ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन करने वाला है। तो अपने पास रिजर्व है 26,000 करोड़ का, कंपनी के ऊपर जो डेट है 13,000 करोड़ का जबकि मार्केट कैप है मात्र 15,000 करोड़ का। देखिए मार्केट कैप से ज़्यादा तो कंपनी के पास रिजर्व है, तो काफ़ी मतलब अच्छे प्राइस में मिल रहा है काफ़ी, लेकिन इसका जो ट्रेंड है वो निगेटिव रहा है, अभी थोड़ा सा ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है, तो यहाँ से आपको प्राइस एक्शन को देख करके आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा। ये 20 स्टॉक थे जिसमें हमने हर सेक्टर से लगभग स्टॉक को सेलेक्ट किया था, उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब आपको बोनस शेयर से रिलेटेड और ग्रोथ से रिलेटेड और डिविडेंड से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स खोजने थे तीनों एक साथ मिल गए हैं, तो निश्चित है कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जब पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।